हाँ, बता क्या बात हुई। उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त मांगा है। और फिर ठीक ही तो है ना बेटा, बेटी का मामला है, सोच समझ कर ही फैसला करेगी ना वो। अरे पर कुछ तो कहा होगा ना अम्मा। हाँ ना, कोई बातों बातों में इशारा कि उनका इरादा है भी या नहीं। शानी बेटा, क्यों मेरा दिमाग खा रहा है? जब उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा ना तो बता दूंगी तुम्हें। अम्मा आपको रब्बा को भेजा क्यों था फिर? कोई फायदा ना हुआ। तो तुम क्या चाहते हो, उनके सर पे बंदूक रखकर हम उनसे आहंग करवाएं? तुम्हारे अब्बा तुम्हारे कहने पर गए तो है ना, वहां पर बात तो की है ना? और फिर देख मेरा बेटा, इतना बेसब्रा ना हो, अगर गरम गरम खाना खाएगा ना तो मुंह जल जाएगा। अरे मुझे तो तुम्हारे अब्बा की तरफ से डर था, पता नहीं उनसे बात करेंगे भी कि नहीं करेंगे। शुक्र है कर ली बात, अब खुदा के वास्ते जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे मैंने तो सुबह उठना होता है, और तुमने तुमने तो सारा दिन गुजार कर उठना होता है। अब अम्मा को कौन समझाए? नहीं, मुझे मुंह जलाना है यार। अलैकुम सलाम। नारीन भाभी जिद कर रही थी कि उन्हें रस्म करनी है, मगर मैंने मना कर दिया। क्या जरूरत है रस्म करने की, जब बड़ों में बात तय हो गई है तो यही काफी है। अब वो चाहती हैं कि खानदान के कुछ लोगों को लेकर अनमोल का मुंह मीठा कराने आ जाए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बाबा अगर वो कह रही है तो मान लेना, अगर हमने मना कर दिया तो ऐसा ना हो उन्हें बुरा लग जाए। और इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने कौन सा एहतमाम करने की डिमांड की है? चंद लोगों को लेकर आना चाहती हैं तो आने दें। अच्छा इसी बहाने घर में कोई तकरीब हो जाएगी, इतने दिनों बाद घर में कोई खुशी आ रही है। अनमोल बेटा तुम क्यों खामोश हो, तुम बताओ क्या करना है? मैं क्या कहूँ बाबा, जो आपको सही लगे। खाना लेना। बाबा आप उनसे पूछें कि कितने मेहमानों को लेकर आना चाहती हैं, हम उसी हिसाब से घर में एहतमाम कर लेंगे। हम्म, लीजिए।